हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिए होंगे। अजीब है ना सांप की खेती। मुझे भी अजीब लगा था पहली बार जब ये देखा था, सांप की खेती। जी हाँ दोस्तों, सांप की खेती। आज सांप की खेती से लोग करोड़ों का रेवेन्यू कमा रहे हैं और यही चीज पूरा डिटेल हमने वीडियो में बताया है। तो आइए वीडियो को पूरी डिटेल में देखिए अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धान गेहूं नहीं, सांप की खेती और लाखों की कमाई। चीन में सांप के जहर, खाल और अंडे सबका बिजनेस होता है। कहीं इसे शराब में डालकर पीते हैं तो कहीं सुखाकर पाउडर बनाते हैं। जानना जरूरी है कि आखिर क्या है सांपों की खेती का पूरा बिजनेस। पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में एक ऐसा गांव है जहां बड़े पैमाने पर सांपों को पाला जाता है। इस गांव का नाम जिसिकियाओ है, जहां के ज्यादातर लोग यही काम करते हैं। इस गांव की आबादी करीब 1000 है। वहीं हर साल यहां करीब 30 लाख सांप पाले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल खाने से लेकर दवाइयां बनाने में होता है। सांप पालना ही गांव के लोगों की कमाई का मुख्य जरिया भी है और अब ये बड़े बिजनेस का रूप ले चुका है। चीन में सांपों की मांग लगातार बढ़ते देख ज्यादा से ज्यादा लोग सांप का बिजनेस करने लगे, जिसके चलते गांव में 100 से ज्यादा स्नैक फार्म खुल चुके हैं। गांव में जितने लोग हैं उससे कई हजार गुना सांप हैं। यहां 1000 लोग हैं, वहीं सालाना करीब 30 लाख सांप पाले जाते हैं। यहां एक इंसान पर 3000 सांप का अनुपात है। गर्मियों के मौसम में जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो ये जगह सांपों से भरी हुई होती है। इन सांपों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होटलों में मांस के लिए और पारंपरिक चाइनीज दवाइयां बनाने के लिए होता है। चीन में सांप से बनी डिशेज को खाना लोग बेहद पसंद करते हैं। जिसिकियाओ गांव करोड़ों रुपए का सांपों का कारोबार होता है। इस गांव में सांपों को पालने का काम साल 80 के दशक में शुरू हुआ था। तब गांव की कमाई करीब 1 लाख युआन 10 लाख रुपए सालाना हुआ करती थी। वक्त के साथ सांप पालने का बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होता गया और इसने बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लिया, जिसके चलते गांव की कमाई पर भी काफी असर पड़ा। फिलहाल इस गांव की ये इंडस्ट्री करीब 8 करोड़ युआन 80 करोड़ रुपए की हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक जल्द ही ये 100 मिलियन युआन की हो जाएगी। यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा बिना जहर वाले सांपों को पालते हैं, लेकिन इसके अलावा कोबरा, अजगर, वाइपर, रैटल से लेकर सांप भी शामिल हैं। वैसे तो यहाँ के लोग सांपों से डरते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ एक ही सांप है जिसका नाम सुनते ही वे डर जाते हैं। उस सांप का नाम फाइव स्टेप है। इस सांप का नाम फाइव स्टेप होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि इस सांप के डसने के बाद इंसान ज्यादा से ज्यादा 5 कदम ही चल पाता है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस गांव में सांपों की खेती के अलावा उन्हें मारकर उनका मांस भी सप्लाई किया जाता है। मारने से पहले उनका जहर निकाल लिया जाता है, फिर मुंह को धागे से सिल दिया जाता है और फिर सिर को काटकर मांस निकाला जाता है। इसके बाद उसके अंगों को अलग रख दिया जाता है। सांप की खाल को अलग से सुखाया जाता है ताकि बाद में उसका इस्तेमाल अलग अलग सामान बनाने में किया जा सके। एक ऐसा गांव है जहां बड़े पैमाने पर सांपों की फार्मिंग की जाती है। यहां सालाना करीब 30 लाख सांप पाले जाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।